मुझे दोबारा मारने की कोशिश की जा सकती है, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरी जान को अब भी खतरा है, वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं क्योंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है और मुझे बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत हासिल है। इमरान खान ने कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे मारना है, लिहाजा खतरा अभी भी मौजूद है। इस साजिश का तो मैंने हमले से 6 हफ्ते कबल ही एक जलसे में बता दिया था और ये भी कहा था कि इस हमले को मजहबी रंग दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि उन पर हमले की आजादाना तहकीकात होंगी तो साबित हो जाएगा कि ये सब एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि इस मामले की आजादाना तहकीकात की जाए, जिसमें ये भी साबित हो जाएगा कि मेरे कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा हुकूमत को होना था। हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। मत होगा जो बार। I love बोल। बोल को वेलकम करता। अल्लाह जी मार्च के लिए मैं। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त कवरेज की। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।